नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम शिबिन। एक बिलिंग सॉफ्टवेयर का सेल पैनल कितनी इंपॉर्टेंट हो सकता है दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि सेल पैनल जो है हमेशा हमने जो यूज करता है सेल के लिए, हमारा मेन बिजनेस का मतलब भी वही है दोस्तों, सेल करना है। तो वो जो सेल पैनल में क्या क्या फीचर्स होना चाहिए, और जो रेनटेक POS बिलिंग सॉफ्टवेयर में इतने सारे फुल्ली लोडेड फीचर्स है, आपको किस तरीके से बिजनेस में हेल्प करेगा, आपको देखिएगा। ठीक है, आप जाइए, अपना देखो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपको देख रहे हैं ना जी, आपको जो अपना जो बिलिंग सॉफ्टवेयर का गोल्ड एडिशन, उसका आपने सीधा जाइए, देखो इधर सेल बटन आपको दिखाई देती है, देखिए सेल क्लिक कर रही है दोस्तों, सेल बटन में तो ब्यूटीफुल सा पैनल आती है। तो आपको इसमें बहुत सारा चीज दिखाई देती है, मैं वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करके देता हूं एक क्या क्या है और किस तरीके से आपको हेल्पफुल करेंगे अपना बिजनेस के लिए। सबसे पहले देखो, इधर मैंने लिस्ट भी बनाकर रखा है तुरंत, यानी क्या क्या फीचर्स है इसके अंदर। बैक डेट बिलिंग ऑप्शन, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। रीजन क्या है, एग्जाम्पल आप बिजनेस चलाते हैं, हमारे इंडिया में बहुत से लोग ऐसा भी है, जैसा हमने बिजनेस करता है, सेल करता है, तो तुरंत का तुरंत बिल नहीं बनाता है। हम फॉर एग्जांपल कुछ कस्टमर ऐसा जी वन, मतलब एक ही आदमी होता है अपना, हम खुद ही चलाते हैं, समझ लीजिए एग्जांपल, बिजनेस खुद ही चलाता है और कस्टमर से पैसा लेती है और प्रोडक्ट देती है, कस्टमर से पैसा लेती है और प्रोडक्ट देती है, तो बिल नहीं देता है, मतलब इमीडिएटली बिल नहीं देता, इनवॉइस नहीं देती है। तो जो लेने वाले कस्टमर को भी बिल का जरूरत ना हो, या उसको GST है नहीं है, तभी वो बिल मांगेगा भी नहीं कभी कभी। तो उसी सिचुएशन में क्या होता है, एंड ऑफ द मंथ आपको GST भरना है, तो GST रिटर्न भरना है, क्योंकि इतना सारे पेमेंट आया हुआ है, उसको रिटर्न भरना जरूरी है। समझ लीजिए आपने 100, 200 या 500 बिल बना के दे दिए कस्टमर को, तो उसका जो प्रीवियस डेट का बिल बना के देना है, क्योंकि एग्जाम्पल आज 31st है, एग्जाम्पल का तौर, तो 31st को सारे का सारे इनवॉइस काट के आपने प्रिंट करके आप अपना GST डिपार्टमेंट को फाइल करने के जाएगा ना जी, वो विश्वास नहीं करेंगे आपको, वो हमको खुद ही विश्वास नहीं होंगे तभी के दूसरों के बात क्या बोलूं। तो इस तरीके से आपको बैक डेट बिल करना बहुत जरूरी होती है बिलिंग सॉफ्टवेयर में। तो हमने देखो इधर एक दिखा देता हूं, देखो यहां आपको देखिए, आपने इन द टॉप यहां आपको डेट दिया हो, देखो इनवॉइस डेट, आप जब भी बिल करने के टाइम आपको कौन से डेट का इनवॉइस चाहिए, तो आप यहां चूज कर दीजिए कौन सा डेट का चाहिए, तो वो डेट में बिल आपको प्रिंट हो जाएगा दोस्तों, ब्यूटीफुल फीचर है। तो इस तरीके से फॉर एग्जांपल एक महीने एंड ऑफ द मंथ 30 तारीख को, अगर समझ लीजिए 30 तारीख को हमको 3-4 तारीख को बिल कटना है, 3 तारीख को बिल कटना है, 6 तारीख को बिल कटना है, 12 तारीख का बिल कटना है, ठीक है ना। इस तरीके से आप बैक डेट बिलिंग रेनटेक POS में कर सकता दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन, होलसेल एंड रिटेल एक ही पैनल में दिखाता हूं दोस्तों। देखिए कोई भी एक प्रोडक्ट आपने ले लीजिएगा, समझ लीजिए इस मतलब कौन कौन सा प्रोडक्ट में होलसेल प्राइस डाला, मैं आपको दिखा देता हूं, रुकिए। उसके लिए आपने प्रोडक्ट्स का पेज में जाइए, थोड़ा गेट डेटा में जाइए और शो ऑल द प्रोडक्ट्स। एग्जाम्पल कोई भी एक प्रोडक्ट का मैंने होलसेल एंड रिटेल प्राइस दोनों दिखाता हूं आपको। एप्पल माउस एग्जाम्पल, इसका देखो एप्पल माउस आपको ऊपर दिख रहा है ना जी, देखिए ये एप्पल माउस है, इसका होलसेल प्राइस क्या है, रिटेल प्राइस क्या है दोस्तों, 396। होलसेल प्राइस भी आप इधर ही डाल सकता है, आप डालिए फॉर एग्जाम्पल 300 रुपीज़ है, एग्जाम्पल है ना। आप इसको देखिए, देख लिए ना, इसको आपने अपडेट कीजिए, प्रोडक्ट कभी भी आपने इस तरीके से एडिट कर सकता है, और बल्क एडिट का भी ऑप्शन है दी। और अभी हमने सेल पैनल का डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए हम मैक्सिमम सेल पैनल में फोकस करेंगे। तो यहां देखिए, आपने यहां आपने जब भी एप्पल माउस डालेंगे, देखो यहां आपने जो प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन दिया हुआ दोस्तों, आप यहां जब भी एप्पल माउस सेलेक्ट करेंगे, देखिए एप्पल माउस, तो मैंने इधर एप्पल माउस सेलेक्ट किया, उसका प्राइस कितना है दोस्तों, 396 रिटेल प्राइस है। क्यों, ये रिटेल में सेलेक्टेड है इसलिए करके, अगर आपने इसको बटन को चेंज करेंगे, जो रेडियो बटन इधर दिया हुआ है, देखो इधर रेडियो बटन दिया हुआ है, इसी पैनल में ही आपने देखो इसको क्लिक कर दिया, तुरंत देखो इधर प्राइस चेंज हो गया दोस्तों, 300 हो गया सेल रेट। तो इसी पैनल में आपने होलसेल एंड रिटेल प्राइस मैनेज कर सकता है, और होलसेल एंड रिटेल का डिस्काउंट भी यहां मैनेज कर सकता है दोस्तों।
तो ब्यूटीफुल फीचर राइट। देखिए नेक्स्ट ऑप्शन में हम जाएंगे स्कैन बारकोड एंड सील। स्कैन बारकोड एंड सील ये कोई मतलब बड़ा इनोवेशन कुछ नहीं है, ये हर कोई सॉफ्टवेयर में है, फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ। कुछ प्रोडक्ट्स हमने स्कैन करके मजा लेंगे। देखिए स्कैन एंड सेल फीचर हर एक बिलिंग सॉफ्टवेयर में मेरे ख्याल से है। कुछ बारकोड मैंने इधर प्रिंट करके रखा है जी, मैंने उधर स्कैन करके मजा लेता हूँ। देखिए फटाफटाक से स्कैन कीजिए आपने, फटाफटाक से है ना जी, आप इसको सीधा सेव एंड प्रिंट कीजिए, कितना ईजी होता है जी। मैंने इधर देखो प्रिंटर ले रखा, देखिए प्रिंटर में प्रिंट आना चाहिए दोस्तों, आ गया दोस्तों। मैंने आपको ये जूम करके दिखाता हूँ, कितना ब्यूटीफुल इनवॉइस प्रिंट हो चुका दोस्तों, कितना ब्यूटीफुल। इसको सब चलाने से मजा आता है जी, चलाने से मजा आता है, क्योंकि जब भी एक मतलब ब्यूटीफुल चीज हमको चलाएगा ना जी, वो हमको बहुत मजा आता है। वेइंग मशीन का बारकोड स्कैन करने के लिए स्पेशल ऑप्शन दिया हुआ दोस्तों, देखिए दिखाता हूँ। मैंने इसके लिए स्पेशल वीडियो लास्ट टाइम बनाया था, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा वीडियो है इसलिए करके। यहाँ आप देखिए नॉर्मल बारकोड स्कैन करने के लिए ऑप्शन है, जो मैंने अभी जो स्कैन करके प्रिंट किया। अगर आपको सुपरमार्केट का जो वेइंग स्केल से जो बारकोड है, आप यहाँ स्कैन कर सकते हैं दोस्तों, ऑप्शन दिया हुआ अलग से भी, क्योंकि उसमें बारकोड अलग होता है। उसको बारकोड का समझ लीजिए 9 नंबर होता है, फर्स्ट 3 डिजिट, जैसे बारकोड आपने दिखता है ना जी, जो बारकोड आपको दिखता है इसमें कुछ नंबर्स होती है नीचे, फर्स्ट 3 डिजिट उसका जो अपना जो बारकोड होती है, अपना जो प्रोडक्ट का कोड होता है, सेकंड 3 डिजिट उसका किलोग्राम होती है, और एक 3 डिजिट उसका उसका ग्राम होती है। मैंने बोलने में एक छोटा सा मिस्टेक हो गया, फर्स्ट 4 डिजिट प्रोडक्ट का कोड होती है, उसके बाद जो 3 डिजिट है किलोग्राम होती है, उसके बाद जो 3 डिजिट है ग्राम होती है, उस तरीके से होती है वेइंग मशीन का जो बारकोड का जो स्टाइल। ठीक है जी, क्लियर हो गया ना जी। अभी हम आगे जाएंगे, देखिए ये वेइंग मशीन भी स्कैन करने के लिए ऑप्शन ही दिया हुआ है इसमें। इन द सेल टाइम यू कैन गेट परचेज प्राइस, बहुत ब्यूटीफुल फीचर है जी। अगर आपने सेल करने के लिए बैठा है, कस्टमर आया, कोई बार्गेन वगैरह कर रहे हैं, प्राइस डिस्काउंट वगैरह मांग रहे हैं, तो आपको इसको परचेज प्राइस तुरंत का तुरंत पता होना चाहिए, यानी क्लिक जल्दी जल्दी यानी क्विकली यानी। तो इसके लिए देखो कोई भी एक प्रोडक्ट इधर हम सेलेक्ट करता हूँ, एप्पल माउस ही सेलेक्ट करता हूँ। देखिए आप जैसा प्रोडक्ट सेलेक्ट कर दिया, देखिए इधर प्रोडक्ट सेलेक्ट कर दिया ना जी, तो आप इधर जाइए, देखिए इसका सेल प्राइस क्या दोस्तों 396, इसका परचेज प्राइस 180 रुपीस, मार्जिन आपका 216 रुपीस, और अवेलेबल क्वांटिटी 1000 पीस है। ये चीज आपको तुरंत का तुरंत पता चल जाएगी। जब भी कस्टमर डिस्काउंट मांगता है आपसे, तभी आपका ये इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलता है, ढूंढने के लिए परेशान होती है, तो आपको कस्टमर से मतलब बार्गेन और डिस्काउंट प्राइस देने के लिए आपको खुद डर लगेंगे दोस्तों, क्योंकि ये जो बहुत जरूरी चीज है, मैंने जो जो आपके बता दिए वो टिक कर देता हूं। मैंने और जो प्राइस डिफरेंस भी है मैं आपको दिखाया अभी, परचेज प्राइस और मार्जिन क्या है वो भी आपको मैंने अभी दिखाया है जस्ट। ठीक है जी, और देखो वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, मैंने कल एक वीडियो बनाया था जो पार्ट नंबर का वीडियो, आप थोड़ा सा उसको देख लेना, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल वो जो वीडियो देखेगा तो आपको वेरी क्लियरली समझ जाएंगे। एक हार्डवेयर शॉप है, हार्डवेयर यानी मोटर स्पेयर पार्ट्स का शॉप है, वहाँ क्या होती है, वहाँ एक ही प्रोडक्ट को डिफरेंट ओरिजिनल होता है, डुप्लीकेट होता है, चाइना होता है, तीनों का नाम सेम है जी। ब्रेक शू एग्जाम्पल, ब्रेक शू नाम है, एक ओरिजिनल है, एक चाइना है, डुप्लीकेट है, तो चाइना को डुप्लीकेट बोल सकते हैं राइट जो भी है आप उसको समझ गए ना क्या मैंने बोलना कहना चाहता हूं। तो उसी सिचुएशन में आपने वो जो पार्ट नंबर को इस्तेमाल करके, जब भी वो पार्ट नंबर में आपने प्रोडक्ट का नाम और कुछ भी डाल देंगे, वो जो प्रोडक्ट का रिलेटेड या पार्ट नंबर ही डालेंगे, तो तीनों का प्राइस पॉपअप करके दिखाई देते हैं दोस्तों, तीनों का प्राइस। मेरा कल का वीडियो थोड़ा देख लेना जी, उसमें आपको वेरी क्लियरली दिखा देते हैं मैंने
वो जो ऑप्शन वंडरफुल ऑप्शन है, पार्ट नंबर इस्तेमाल करके आपने जो सेल करता है पॉपअप आएंगे उसमें से कौन सा प्राइस आपने सेलेक्ट करना, ओरिजिनल चाहिए, डुप्लीकेट चाहिए, मतलब कॉपी चाहिए, जो भी आप सेलेक्ट कर दीजिए उसका अलग अलग प्राइस होता है सबका, है ना, उसको सेलेक्ट करके प्रिंट कर सकता है दोस्तों। और एक नेक्स्ट फीचर है दोस्तों, सेल का टाइम में आपने डिस्काउंट बना सकता है दोस्तों, ब्यूटीफुल फीचर है दोस्तों, ये दिखाता हूं मैं आपको। देखो आपने नया बिल क्रिएट करो, कोई भी एक प्रोडक्ट देख लीजिए, फॉर एग्जांपल सेम प्रोडक्ट आपने देखिए, मैं आपको इधर ज़ूम कर देता, देखो कोई भी एक प्रोडक्ट सेलेक्ट कर दिया ना जी मैंने, इधर दिखाता हूँ, देखिए एप्पल माउस करके मैंने सेलेक्ट किया एग्जांपल के तौर, इसका प्राइस है जी रिटेल प्राइस क्या है 396। कस्टमर हमसे जो अभी टोटल कितना है देखिए 396 आया ना जी, देखिए कस्टमर हमसे बोलता है हमको थोड़ा डिस्काउंट का जरूरी है, तो आपने देखो यहां एक ऑप्शन हमने दिया हुआ है, देखिए डिस्काउंट ये आपने यहां का यही कर सकता है, देखिए मैंने आपको इसको अमाउंट में भी डाल सकता है, समझ लीजिए उनको 96 रुपीज का डिस्काउंट है 96, देखो ना इधर 300 राउंड हो गया दोस्तों, ऐड टू कार्ट और सेव एंड प्रिंट करने से उसको बिल भी प्रिंट हो जाएंगे, यस कीजिए। तो यहां जो बिल आया ना जी वो उतने के आया जो डिस्काउंट के बाद जो अमाउंट का, मैं आपको आपको ये दिखाई नहीं देंगे, मैंने थोड़ा वीडियो होने के बाद उसको थोड़ा शूटिंग करके दिखा देता हूँ डिस्काउंटेड बिल में, है ना जी। ये जो परसेंटेज में भी आपने कर सकता है, यानी अमाउंट में भी आपने कर सकता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होता है जी कस्टमर बिलिंग सॉफ्टवेयर में, क्योंकि सेल करते वक्त आपको अगर डिस्काउंट वगैरह देना है तो ये कर सकता है, और सेल करते वक्त आपको चाहिए तो प्राइस भी चेंज करके देने के लिए हो सकता है दोस्तों। देखो मैं दिखाता हूँ आपको सेम प्रोडक्ट का एप्पल माउस, इसका प्राइस 396 है ना जी, देखिए ये प्राइस भी आपने चेंज करके बिल बना सकते हैं, ये 200 में अगर सेल करना है आपको, एग्जाम्पल 200 मैंने डाल दिए यहाँ सेल प्राइस, ठीक है ऐड टू कार्ट कितना आ गया दोस्तों 200 रुपीज ही आया देखिए, और मैंने सेव एंड प्रिंट करता है बिल इधर आती है 200 रुपीज का बिल आया हुआ देखिए, यहाँ सीधा सीधा वो प्रोडक्ट का प्राइस ही आपको 200 ही दिखेगा, वो भी फैसिलिटी है दोस्तों इसमें। और दोबारा वो अभी जो अभी आप सोचे होंगे ओके वो प्राइस अभी दोबारा सेलेक्ट करने से क्या प्राइस दिखेगा, उधर सेलेक्ट करके देखेंगे एप्पल माउस जो पुराना प्राइस आपको दिखाई देंगे, देखिए ओरिजिनल प्राइस जो है, वेरी नाइस फ्यूचर राइट। तो इस तरीके से ये सब आपने हैंडल कर सकता है। और नेक्स्ट ऑप्शन, जब भी आप सेल करते वक्त आपका कस्टमर को जोड़ने के लिए फैसिलिटी दिया हो दोस्तों, आप यहां देखिए, देखो ये इधर कुछ डिटेल्स आपको दिख रहा है ना जी दोस्तों, देखिए ये जो फीचर्स आपको दिख रहे हैं, तो आप अपना जो कस्टमर का फोन नंबर यहां ले लिया, फॉर एग्जांपल नया कस्टमर आया तो उसका फोन नंबर है 888888 एग्जाम्पल के तौर, एंटर मार दिया तो तुरंत आपको पॉपअप में पूछता जी उसका नाम डालिए और उसका स्टेट डालिए और उसका कोई कार्ड नंबर है तो वो भी डालिएगा, कार्ड नंबर मतलब ये जो प्रिविलेज कार्ड का नंबर है, अगर है नहीं तो कुछ भी नंबर डाल देना, नेम समझ लीजिए मधु कुमार ठीक है जी, और कार्ड नंबर मतलब प्रिविलेज कार्ड का नंबर है जी, कुछ भी नंबर डालिए और स्टेट उसका सेलेक्ट कीजिएगा, कोई भी समझ लीजिए उड़ीसा जो भी है, आप इसको ओके कीजिए, ऑटोमेटिकली उनका जो नाम सॉफ्टवेयर में सेव हो जाती है दोस्तों। इट्स एन अम्यूजिंग फ्यूचर, क्योंकि हमने और एक पैनल खोल के मतलब क्या नाम है इसको ऐड करने का कोई जरूरत नहीं है इस बिलिंग सॉफ्टवेयर में, डायरेक्ट इधर ही अपने कस्टमर को ऐड कर सकता है। और मैंने दूसरा एक ऑप्शन बताया था प्रिविलेज पॉइंट्स का मैंने सेपरेट वीडियो बनाया था दोस्तों, यानी आपने जब भी सेल करते हैं ना ऑटोमेटिकली प्रिविलेज पॉइंट्स और ऐड हो जाती है, यानी कस्टमर का जो खाते पे, यानी इसको अगर आपने सेलेक्ट करता है प्रिविलेज पॉइंट्स का कहाँ से परसेंटेज कंट्रोल करता है, मैंने लास्ट टाइम उसका वीडियो भी बनाया था, यहाँ जो मास्टर एंट्री होती है यहाँ से उसको कंट्रोल होती है, देखिए परसेंटेज पर रुपीस है ना जी, यहाँ से इसका कंट्रोल होती है, तो ये प्रिविलेज पॉइंट भी आपने यहाँ से कंट्रोल कर सकता दोस्तों, है ना जी। और नेक्स्ट एक ब्यूटीफुल फीचर है दोस्तों, यानी सेल का टाइम पे आप अपना जो
यानी कस्टमर का आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, यानी किसी को आपने उधार दे रखा है। समझ लीजिए कोई भी एक कस्टमर है, समझ लीजिए आप अपना जो कोई भी एक कस्टमर समझ लीजिए, यहाँ से आपने सेलेक्ट किया, इसको आपने कुछ सामान आपने सेलेक्ट सेल करते, देखो ऐड टू कार्ट, उन आपने समझ लीजिए उसको उधार में सेल किया 935, यानी उसको ऑलरेडी कोई उधार है ही नहीं है अभी, 944 राइट, 935 है ना, उसको आपने 7% कीजिए, यस कीजिए, तो उधार में सेल हो गया अभी, ठीक है, उसको उधार दिया हमने। इसमें और एक फीचर ऐसा दोस्तों, आप अपनी कस्टमर को आउटस्टैंडिंग बैलेंस पता कर सकता है जब भी सेल करते वक्त, समझ लीजिए ये जो फीचर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जब भी आपने आपसे कोई उधार लेता है कंटिन्यूसली, तो जब भी सेल करते वक्त आपको पता चलता है उनका आउटस्टैंडिंग क्या है। मैं दिखाता हूँ आपको, वेरी सिंपल है एग्जाम्पल, एक फर्स्ट कस्टमर को हमने क्रिएट करता हूँ इधर, देखिए मैंने कोई कस्टमर को यहाँ मैंने क्रिएट कर दे रहा हूँ, समझ लीजिए उसको देखो कोई भी नंबर है, 5555 उसका मोबाइल नंबर है, कितना नंबर है जी, कोई कम का नंबर डालिए, 5555 एग्जाम्पल, तो हमको याद रहेंगे ना जी दोस्तों, ये जो नंबर डालिए ना, अगर नया कस्टमर समझ लीजिए आप एंटर मारेंगे तुरंत आपको पूछेंगे नंबर कस्टमर का नाम क्या है, कोई भी नाम बोल लीजिए आपने, सुंदर कुमार नाम है उसका, और उसका जो प्रिविलेज कार्ड वगैरह आपने देती है उसका नंबर इधर डालना है, नहीं है तो कुछ भी नंबर डालिए आपने कोई बात नहीं, और उसका जो स्टेट वगैरह जो भी आपने सेलेक्ट कर दीजिएगा, कोई कौन सा स्टेट का है, सारे स्टेट आपको इधर दिखाई देती है, इंडिया में कितना भी स्टेट है, केरला डाल दिया एग्जाम्पल, आप इसको ओके कीजिए। तो सुंदर कुमार हमारा पहले कस्टमर, उसका मोबाइल नंबर 5555 आपको याद रहने के लिए मैंने उस तरीके से नंबर डाला है। समझ लीजिए आपने कोई भी प्रोडक्ट समझ लीजिए वही एप्पल माउस आपने उसको सेलेक्ट किया, क्यों आप मैंने बार बार एप्पल माउस सेलेक्ट करता है, आपको याद रहेगा उसका प्राइस वगैरह, इसलिए तो ये जो 396 उसका सेलिंग प्राइस है, उन्होंने बोलता है हमको उधार चाहिए पूरा उधार, आप इधर 396 डाल के उधार डालिए, जो लाल कलर में जितना भी टाइप करता है ना वो सीधा उधार में चला जाती है, ये जो पोर्शन आप सीधा इसको सेव एंड प्रिंट कीजिए, तो तुरंत इधर प्रिंट भी आ जाती है आपको, है ना जी, प्रिंट भी आ जाती है, ये जो वो उसके खाते पे चला गया हुआ है, इसको छोड़िए। अभी जाके हम दोबारा फॉर एग्जाम्पल उन्होंने एक हफ्ते के बाद और दो हफ्ते के बाद आया, तो आपने इधर मतलब कॉन्टैक्ट नंबर में 5555 जब भी डालेंगे तो एंटर मारिए, तो तुरंत 396 उसका उधार में है जी ऑलरेडी, देखिए ये फीचर आपको मिला हुआ दोस्तों, है ना जी, वेरी अम्यूजिंग फीचर है, क्योंकि ये मतलब बिलिंग सॉफ्टवेयर में बहुत जरूरी चीज है दोस्तों। और आप जब भी सेल करते वक्त नेक्स्ट फीचर है जी, कोई भी प्रोडक्ट आपको क्वांटिटी वगैरह सब कुछ एडिट कर सकता है। एग्जाम्पल कुछ प्रोडक्ट उन्होंने इस तरीके से ऐड कर दिया, यानी परचेज कर रहे हैं कोई भी कस्टमर इस तरीके से परचेज कर रहे हैं, तो उन्होंने कभी बोला कोई भी प्रोडक्ट है समझ लीजिए उसका क्वांटिटी उसको दो चाहिए, देखो इधर एक प्रोडक्ट मैंने दो बार सेलेक्ट किया था इसलिए करके मैसेज भी दिया था, सेम प्रोडक्ट दो बार आ चुका है, समझ लीजिए कोई भी प्रोडक्ट का आप उनको क्वांटिटी समझ लीजिए बढ़ाना है चेंज करना है, तो इधर ही देखो क्वांटिटी बढ़ा सकता है, समझ लीजिए 3 क्वांटिटी मैंने कर दिया अभी, देखिए करके आपने अपडेट भी कर सकता है, इसको ऑटोमेटिकली प्राइस भी चेंज होगा, यहाँ क्वांटिटी भी मतलब चेंज हो जाएगा दोस्तों, है ना जी, देखिए 3 कर दिया अभी देखिए, तो इस तरीके से अम्यूजिंग फ्यूचर है जी इसमें इसको क्वांटिटी चेंज करने के लिए। और मैंने जो एक फीचर मैंने पहले भी बताया था आपको वो इधर लिखे रखा है इसलिए बोल रहा हूँ, जो सेलिंग प्राइस आपने चेंज कर सकता है, सेल करते वक्त आपने सेलिंग प्राइस आपने अगर चाहिए तो एडिट और चेंज और जो भी करना कर सकता है, मैंने आपको पहले दिखाया था वो, सेल रिटर्न कर सकता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर दोस्तों है। समझ लीजिए कुछ कस्टमर हमसे कुछ माल लेके गया हुआ है, एक दिन के बाद या दो दिन के बाद उन्होंने आके हमसे बोला हमको ये नहीं चाहिए दूसरा कुछ चाहिए और उसके साथ भी और कुछ चाहिए, तो आपने क्या करना, सीधा अपने जो बिलिंग सॉफ्टवेयर में एक ऑप्शन है ऐसा जी सेल रिटर्न, देखो सेल रिटर्न के ऑप्शन इधर दिया हुआ देखिए, तो जो भी आपने सेल किया सारे इनवॉइस इधर दिखाई देती है। एग्जांपल जो इनको जो एक प्रोडक्ट इन्होंने सेल रिटर्न में करता हूँ एक पीस और ऐड कर दिया और सेव कर दिया, जो शिबिन बोल के एक आदमी है एग्जांपल उसको क्लोज कीजिए,
जी अभी सेल करते वक्त आपको जो सेल रिटर्न का जो लिस्ट है, यहां से आपको सारे लिस्ट भी मिल जाएंगे। आज का दिन में कितना सेल रिटर्न, कितना रुपए का सेल रिटर्न किया है, वो इधर आपको दिख जाती है। और जो सेल रिटर्न का जो नंबर है ESR 0003, वो आपने यहां टाइप भी अगर करते हैं, देखो ESR-0003 ऑटोमेटिकली यहां प्राइस आ जाती है दोस्तों, देखिए 935। तो वो जो टोटल बिल से ऑटोमेटिकली वो माइनस भी हो जाएंगे, यानी उन्होंने और कुछ प्रोडक्ट्स लेता है, समझ लीजिए ये 5 पीस लिया, ऐड टू कार्ट कर दिया, तो ये जो बैलेंस अमाउंट है ना जी 935 माइनस होकर के नीचे आ जाती है, समझ रहे। इस तरीके से फैसिलिटी भी अपना ऑटोमेटिकली माइनस हो जाएंगे आपसे, मतलब टोटल बिल से। तो ये भी फैसिलिटी अपना रेंडेक POS बिलिंग सॉफ्टवेयर में दिया हुआ दोस्तों। राइट ऑफ अमाउंट का ऑप्शन वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है दोस्तों। समझ लीजिए कोई भी प्रोडक्ट आपने इस तरीके से सेलेक्ट करता है, एग्जाम्पल एप्पल माउस, ऐड टू कार्ट कर दिया, तो इसका 396 है, तो 6 रुपीज नहीं देता, 6 रुपये नहीं देती है। तो आपने देखो इधर एक ऑप्शन यहां दिया हुआ, देखो राइट ऑफ अमाउंट, आपने यहां 6 रुपये डालिए, देखो 6 रुपये, तो ऑटोमेटिकली वो अमाउंट राइट ऑफ हो जाएगा। बैलेंस कितना देना है उतना ही मतलब पे करना है ना जी। फॉर एग्जाम्पल यहां आपने 390 डाल दिया, तो वही देर पे करना है, 7% कर सकते हैं आपने सीधा। तो राइट ऑफ अमाउंट जो भी है वो आपको बिल में भी एक टेम्पलेट में हमने डाला हुआ है, राइट ऑफ अमाउंट मतलब आपने कर सकता है, यानी द लास्ट चेंज कर सकता है दोस्तों। और कुछ और फीचर है जी, कूपन कोड का ऑप्शन मैंने आपको दिखाया था पहले, कूपन कोड कैसा होती है, आई थिंक आई शो दैट वन। कूपन कोड यहाँ ऑटोमेटिकली बनता है दोस्तों। फॉर एग्जांपल कोई भी हमने पहले कस्टमर को सेल किया था ना 5555, उनका जो प्रिविलेज पॉइंट्स है ऑटोमेटिकली यहाँ बन जाती है। अगर प्रिविलेज पॉइंट 39 पॉइंट्स है उसका, तो प्रिविलेज पॉइंट उनको रिडीम करना है। कोई भी प्रोडक्ट आपने इस तरीके से सेलेक्ट कीजिएगा और जो ऐड टू कार्ट कर दीजिए, तो टोटल 242 आ गया ना जी। जो रिडीम पॉइंट्स आपने, फॉर एग्जांपल उनका रिडीम पॉइंट है 39, उसको अगर रिडीम करके देना है तो ऑटोमेटिकली ना वो माइनस होकर निकल जा रहा है ना जी, वो ऑटोमेटिकली वो देखो इधर नीचे आया हुआ है 3.9, यानी इसमें से 3.9 माइनस होकर के उसको बिल हो जाएंगे। तो ये भी फैसिलिटी उसमें दिया हुआ दोस्तों। इसमें और एक फीचर ऐसा जी, कुछ कस्टमर हमसे बहुत पूछा हुआ है, जो जो बिल नहीं करना हमको, मात्र सेव करना है, तो ये भी ऑप्शन है जी। फॉर एग्जांपल आप कोई भी बिल अगर से ऐड टू कार्ट करके सेव ना, ये जो है ना जी, इधर एक पॉपअप भी आती है, सेव करना या प्रिंट करना है, या अगर यस किया तो सेव एंड प्रिंट हो जाती है, और नो करने से मात्र सेव हो जाती है। तो ये भी फैसिलिटी हमने राइनडेक POS बिलिंग सॉफ्टवेयर में दिया हुआ है। और कुछ कस्टमर हमको ऐसा पूछा हुआ जी, मतलब हर कोई कस्टमर को चाहिए ही चाहिए, प्रीवियस बिल, फॉर एग्जांपल सुबह एक बिल प्रिंट किया था, उसको एक बार रीप्रिंट करना है, तो रीप्रिंट करने के लिए सीधा सीधा ऑप्शन है जी, इधर गेट डेटा में जाने से आपको सारे बिल इधर दिखाई देती। आज का दिन यार कोई भी दिन का जितना भी बिल आपने यहाँ गेट डेटा में, आप इधर डेट वाइज सर्च भी कर सकता है कौन कौन सा बिल आपको चाहिए, तो आपने सर्च कर सकता है आज का दिन में, तो गेट डेटा क्लिक करिए, आज का दिन में इतना बिल कटा था और उसको एक बार रीप्रिंट करना है, तो इधर ऊपर इधर बटन दिया हुआ ना जी, देखिए बिल प्रिंट, रीप्रिंट के लिए प्रिंट बटन इधर दिया हुआ है, देखो यहाँ प्रिंट होना चाहिए दोस्तों, आ गया ना दोस्तों। तो रीप्रिंट भी आपको इसी सॉफ्टवेयर से कर सकता है। और वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंटर सेलेक्शन ऑप्शन, क्योंकि कोई भी आपने प्रिंटर इसके अंदर जोड़ता है, जो बिलिंग सॉफ्टवेयर के अंदर जोड़ता है, तो आपसे पूछेंगे उसको प्रिंटर कौन सा, पहले सॉफ्टवेयर को दिखाइए। देखो इधर सबसे ऊपर हमने उसका ऑप्शन दिया हुआ जी, यही पैनल में, क्योंकि आपने ढूंढ के परेशान होने का कोई जरूरत नहीं। देखिए बिल टेम्पलेट यहाँ आपने देखो प्रिंटर सेटिंग इधर ही दिया हुआ दोस्तों, देखिए प्रिंटर सेटिंग, आप प्रिंटर सेटिंग में जाइए, देखो कोई भी प्रिंटर आप इंस्टॉल्ड प्रिंटर सब इधर दिखता है, तो आपने इसमें से कौन सा प्रिंटर है आपने उसको सेलेक्ट करके सेव कर सकता है दोस्तों। ये भी फीचर हमने यहाँ पे दिया हुआ है। और लास्ट ऑप्शन में आपको दिखाता हूँ जो बिल टेम्पलेट्स, बिल टेम्पलेट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखो इसके बिल्कुल ठीक नीचे आपको दो बटन दिया हुआ है, एक A4 का टेम्पलेट्स और ये थर्मल प्रिंटर का टेम्पलेट्स। आप इसमें थर्मल प्रिंटर देखिए, इसमें बहुत सारे मतलब रेडियो बटन आपको दिखता है, ये रेडियो बटन हर एक टेम्पलेट होती है, आप
मेरा लास्ट टू डेज का पहले भी कुछ वीडियो मैंने बनाया था, इसका सारे टेम्पलेट्स के एक वीडियो आप थोड़ा देख लेना। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल बिल टेम्पलेट्स, बिल फॉर्मेट्स इसमें हमने रेडीमेड बनाया हुआ दोस्तों। आप कौन सा फॉर्मेट आपको पसंद आती है, या मतलब जो समाधान प्लान में कोई आती है, जैसा फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बिल ऑफ सप्लाई का इनवॉइस देती है, जो जीएसटी प्लान जो जिसको चलता है उनको जीएसटी इनवॉइस देना पड़ता है ना, इस तरीके से सारे फैसिलिटी रेनडक पीओएस बिलिंग सॉफ्टवेयर में मिला हुआ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।